नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मूंग दाल पालक और आलू से एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का मैं पराठा का रेसिपी बनाऊंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है व्हीट फ्लावर, गेहूँ का आटा, और लिया है मैंने स्पिनिच, पालक, मूंग दाल, ऑनियन, गार्लिक एंड जीरा और टोमेटो। इन सभी चीज़ों को मैं कुकर में डालकर बॉयल कर लिया है, और नमक और हल्दी के साथ इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से बॉयल करके मैसी बना दिया है। और साथ ही मैंने एक आलू भी डाल दिया था, ये भी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसको छील कर ग्रेट कर लूँगी। इस ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके मैं आपसे मैं मिलती हूँ। मैंने पोटैटो को ग्रेट कर लिया है, ग्रेट करके तैयार कर लिया है, रेडी कर लिया है मैंने। अब मैं इन सभी चीज़ों को, दाल को पकाने के लिए मैंने 3 से 4 सीटी लगाया था ताकि ये अच्छी तरह से मैसी कुक हो जाए अच्छी तरीके से। अब मैं इन सभी चीज़ों को आटे के साथ मिक्स करके रोटी के जैसा तैयार आटा को तैयार कर लूँगी मैं। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें दाल और पोटैटो जा रहा है। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से दोनों हाथों की सहायता से आटे के जैसा डो तैयार कर लूँगी मैं। डो तैयार करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और मैंने इसमें नमक वगैरह नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी मैंने दाल के अंदर नमक डाल के ही बॉयल किया है। ये रेसिपी आप अगर आप सफ़र के लिए जा रहे हैं तो सफ़र के लिए भी ये रेसिपी आराम से बनाकर 3 से 4 दिन तक आप खा सकते हैं। ये पराठा आप इस उस जगह पराठा या पूरी कुछ भी इस आटे डो से बना सकते हैं जो 3 से 4 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अचार अचार के साथ आप खा सकते हैं, अचार, दही, क्योंकि चटनी के आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की चटनी भी इसके साथ मैं सर्व करने वाली हूँ जो मैं प्याज, टमाटर, करी लीफ, गार्लिक, लहसुन इन सभी चीज़ों के साथ मैं इस चटनी को तैयार करूँगी। आटा लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसमें पानी नहीं डालना है। अगर आटा पूरी तरह से बनकर तैयार ना हो तो ये जो दाल बचा हुआ है इस दाल की सहायता से मैं इस आटे को अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी मैं। मैंने डो को तैयार कर लिया है। अब ये बिल्कुल पराठा बनाने के लिए रेडी हो चुका है। इस डो को अगर ये डो हाथ में चिपकना शुरू हो जाए तो हाथ में हल्का सा तेल लगा लें या घी लगा लें, और तब इस डो को आप अच्छे तरीके से चिकना अच्छी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लें जिस तरीके से मैंने तैयार किया है। और इस डो को हमेशा सॉफ्ट हार्ड न बनाएं, इस डो को सॉफ्ट बनाकर रखें। अब मैं इस डो को तैयार करने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। तब तक मैं चटनी पीस कर तैयार कर लेती हूँ। चटनी को बना इस चटनी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का प्याज, 2 मीडियम साइज का टमाटर, और दो मुट्ठी मैंने लिया है करी लीफ, और 3 से 4 ग्रीन हरी मिर्च है, ये ग्रीन चिली है, और लिया है मैंने जीरा, नमक, और लिया है सांभर पाउडर, सांभर मसाला जो होता है, सांभर मसाला के साथ मैंने इस चटनी के इंग्रेडिएंट्स को तैयार किया है। अब मैं इसे पीस कर तैयार कर लेती हूँ ताकि मैं इस पराठे के साथ और दही के साथ इस पराठे को सर्व कर सकूँ मैं। आटा को ढके हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब मैं इसका पराठा बनाना शुरू करती हूँ मैं। मैंने गैस के ऊपर तवा चढ़ा के गैस को ऑन कर दिया है, तवा गर्म हो चुका है। अब मैं पराठा बना के आपको मैं दिखाती हूँ मैं। इस तरीके से एक लोई तोड़ लेंगे, उसको राउंड शेप दे देंगे। देने के बाद मैं हाथ से ही इस लोई को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। उसके बाद मैं
प्लेटफॉर्म पर रख के इसको बेलन की सहायता से रोटी के जैसा राउंड शेप बेल कर तैयार कर लूँगी। ये इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बोलना है बेलना है, ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है, मीडियम साइज़ का आप देख सकते हैं। अब मैं इस रोटी को तवा के ऊपर डाल दूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी लोई भी तैयार कर लूँगी। सेम तरीके से ही दूसरा पराठा भी मैं बेलकर तैयार कर लूँगी। अब मैं इस तवा पर पकते हुए रोटी को मैं पलट कर दूसरी साइड कर लूँगी। रोटी को पलटने के बाद मैं एक साइड घी लगाकर अच्छी तरीके से मिला लूँगी। मैं आप घी रिफाइन जो भी हो आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घी में ही बनाएं तो अच्छा है, घी में टेस्ट इसका अच्छा होता है। घी ना हो तो रिफाइन भी लगाकर बना के खा सकते हैं। अब रोटी को दूसरी तरफ पलटकर मैं घी लगा के बना लूँगी। इस तरह से मैं पराठा को दोनों साइड से पकाते हुए तैयार कर लूँगी। दोनों साइड घी लगाने के बाद मैं इसे एक तवा से उतार के थाली में रख दूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरे पराठे को भी बनाकर तैयार कर लूँगी। दूसरे पराठे भी बनकर तैयार हो चुका है, मैं इसके ऊपर भी घी लगा दूँगी। इस तरह से मैं दूसरा पराठा भी तैयार करके रेडी कर ली हूँ मैं, और तीसरा पराठा भी मेरा मैंने बेल कर रेडी कर लिया है। इस तरीके से मैं सभी आटे का पराठा बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह मैंने सभी पराठों को बनाकर तैयार कर लिया है, और साथ ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट थाली भी तैयार कर लिया है। मैंने इस पराठे को सर्व किया है दही और जो मैंने टमाटर प्याज की चटनी बनाई थी उस चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। ये पराठा इस दही और चटनी के साथ इतना स्वादिष्ट बनता है, ये इतना स्वादिष्ट लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप खुद इस रेसिपी को एक बार प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार बना कर खाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इस पराठे की रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरीके से मैंने सही पराठों को बनाकर तैयार कर लिया है। ये पराठा बहुत ही, अगर आप दाल और पालक जो है पहले से ही रात में, अगर सुबह बनाना हो तो रात में ही इसको अच्छे तरीके से बॉयल करके फ्रिज में स्टोर करके रख दे, तो सुबह बिल्कुल 5 मिनट में आप ब्रेकफास्ट अपना तैयार करके आप अपना लंच तैयार कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं और अपने आगे का काम शुरू कर सकते हैं। ये बिल्कुल झटपट सी बनने वाली रेसिपी है, नाश्ते की रेसिपी है, ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। आप प्लीज़ मेरे तरह बिल्कुल मैंने जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से बनाकर एक बार खाएं। ये पराठा जो है खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनती है। आप देख सकते हैं ये इतनी सॉफ्ट होती है कि देख, बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये पराठा। प्लीज़ एक बार इस पराठे को मेरे तरीके से बना कर देखें और खाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इस पराठे की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।